नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट में। आज हम तीन शेयर देखते हैं। पहला शेयर देखें तो 161 रुपये तक जाएगा टाटा ग्रुप का यह स्टॉक खत्म हुआ। बिकवाली का दौर लगातार 5 दिन से बढ़ रहा है भाव। टाटा ग्रुप का एक शेयर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज लगातार दूसरे कारोबारी सेशन में बाजार में सुधार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी पर टाटा स्टील के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। बता दें कि टाटा स्टील का शेयर लगातार 5 सेशन तक बढ़ने के बाद 6 महीने के हाई पर कारोबार कर रहा है। इस अवधि के दौरान स्टॉक लगभग 9% बढ़ गया है। एनालिसिस ने कहा कि टाटा स्टील वीक वाली लेवल से बाहर आ गया है और आज की तेजी के मौजूदा चरण को देखते हुए ब्रेकआउट दिया है। ब्रोकरेज भी इस शेयर पर बुलिश है और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कंपनी ने क्या कहा तो बता दें कि कंपनी के शेयरों में यह तेजी टाटा स्टील के MD और CEO TV नरेंद्रन के बयान के बाद देखने को मिल रही है। दरअसल 1 दिसंबर को भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 कंपनी ने कहा था कि टाटा स्टील ओडिशा में निवेश करना जारी रखेगी, जिसके पास भारत की कुल स्टील बनाने की क्षमता का 25% है। नरेंद्रन ने कहा कि टाटा समूह की मेटल ब्रांच ने पिछले 5 वर्षों में पहले ही 75,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। क्या बोले एक्सपर्ट, टाटा स्टील के शेयरों पर लगातार एक्सपर्ट बुलिश है और इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं। एंजल वन के मुताबिक यह शेयर 116 से 118 के बीच में ट्रेड करेगा। टिप्स टू ट्रेड ने इसका टारगेट प्राइस 121 रुपये रखा है। टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस ने इसका टारगेट प्राइस 162 रुपये रखा है। दूसरा शेयर देखें तो मत बेचे, यह शेयर 1150 पर जाने वाला है भाव। 40 में से 39 एक्सपर्ट ने कहा जल्दी खरीद लो। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग शेयर की तलाश में हैं तो आप ICICI बैंक के शेयरों पर नज़र रख सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक इस शेयर में आने वाले दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा सकती है। खास बात यह है कि ICICI बैंक के शेयरों पर कवरेज कर रहे 40 में से 39 एक्सपर्ट ने इसे खरीदने की सिफारिश की है, तो एक ने होल्ड रखने की सिफारिश की है। किसी भी ब्रोकरेज ने इस शेयर बेचने की सलाह नहीं दी है। आपको बता दें कि ICICI बैंक के शेयर वर्तमान में अपने रिकॉर्ड हाई 958 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। यह बैंकिंग शेयर आज सोमवार 933.65 रुपये पर कारोबार कर रहा है। 1150 का है टारगेट। रिफिनिटिव के डेटा के अनुसार ICICI बैंक के शेयरों में तेजी की गति को 40 एनालिसिस में से जारी देखा रहा है। लगभग 23 ने स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग बाय की सिफारिश की है। 16 ने बाय रेटिंग दी है, वहीं 1 ने होल्ड रेटिंग दी है। बता दें किसी ने भी सेल रेटिंग नहीं दी है। ब्रोकरेज ने 1150 प्रति शेयर के स्टॉप लॉस आधारित टारगेट प्राइस के साथ बैंकिंग स्टॉक पर अपना बाईटेक रखा है। एक अन्य ब्रोकरेज अम्बिट ने 1025 का टारगेट प्राइस रखा है। वहीं ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने भी ICICI बैंक के शेयरों पर टारगेट 1090 रुपये रखा है और इसे बाय रेटिंग दी है। उसका मानना है कि बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए बेहतर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है। तीसरा शेयर देखें तो कर्ज उतरते ही स्टॉक खरीदने की मची लूट। ₹11 का यह शेयर बन गया रॉकेट। 2 दिन में ही निवेशक मालामाल। बजाज हिंदुस्तान शुगर के शेयरों में आज सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज सोमवार के कारोबारी दिन 5 दिसंबर को कंपनी के शेयर शुरुआती कारोबार में 16.30% की तेजी के साथ 16.05 रुपये पर पहुंच गए थे। हालांकि इंट्राडे ट्रेड में यह शेयर 20% अपर सर्किट के साथ 16.20 रुपये पर पहुंच गए। इससे पहले शुक्रवार भी अपने कंपनी के शेयरों में 20% की तेजी थी। दरअसल पेनी स्टॉक में यह तेजी एक पॉजिटिव खबर के बाद देखने को मिली है। 2 कारोबारी दिन में यह शेयर लगभग 40% तक का रिटर्न दे दिया है। जानिए क्या है वजह। आपको बता दें कि बजाज हिंदुस्तान शुगर ने कर्जदाताओं को पूरे बकाया का भुगतान कर दिया है। कंपनी ने पिछले सप्ताह अपने एक बयान में कहा था, हमने सभी ऋणदाताओं को टर्म लोन की किस्तों, टर्म लोन के ब्याज और वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर कूपन के लिए पूरे बकाया का भुगतान कर दिया। कंपनी के मुताबिक हमारे खाते में कोई पुराना बकाया नहीं है। कंपनी का कारोबार क्या है तो बता दें कि बजाज हिंदुस्तान शुगर भारत में अग्रणी चीनी और इथेनॉल की निर्माता कंपनी है। इसके 14 शुगर प्लांट की कुल गन्ना पेराई क्षमता 136,000 TCD है। 6 डिस्टिलरीज में प्रतिदिन 800 किलोलीटर औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने की कुल क्षमता है। वहीं 449 मेगावाट की कुल बिजली उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो इन तीन शेयर में आप कर सकते हो निवेश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर मार्केट के रिलेटेड ऐसी ही अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।